दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरु जी। इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न को कैसे हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी की एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, तो दोनों एग्जाम में ही पूछा जाता है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ट्रेन से रिलेटेड। तो दोस्तों इनको हल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले से दोस्तों आप पूरा के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको बेस्ट अप्रोच चाहिए कि कैसे सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसकी सहायता से आप दोस्तों क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला है 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लो, तो इसको आप कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों करेंगे हम लोग कैसे बदलेंगे, तो 72 ऐसे लिख लेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब ये अपान में जा रहा दोस्तों, किलोमीटर पर आवर मतलब बटे, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, एक मिनट में 60 सेकेंड। ओके दोस्तों, ये जीरो से जीरो कटा, आगे आ जाएगा 72 × 10/6 36, ये 36 × 72 टोटल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, आप इसकी सहायता से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 72 किलोमीटर है दोस्तों, तो इसको 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो इसमें हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, तो 18 × 72, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। में आता है दोस्तों हमारा कि 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें। तो क्या करेंगे, 45 इसको ऐसे लिख लेंगे, और इसमें ऊपर हम लोग करते थे 5/18, तो इसमें हम लोग कर देंगे 18/5 का मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 × 45 = 18 × 162, तो ये हमारा 162 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आपको अगर पता ना हो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, तो इस तरीके से आप आसानी से बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ बातें सीखते हैं जो कि ट्रेन से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए जो कि ट्रेन के संबंधी क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, पहला पॉइंट है हमारा कि ट्रेन संबंधी क्वेश्चन जब भी होते हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला तो खुद ट्रेन हो जाता है और दूसरा जो होता है जो ट्रेन के द्वारा पार किया जाता है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि पहली ट्रेन जा रही है एक स्टेशन से, तो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी वो और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, दोनों जुड़ जाती हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट हो गया ट्रेन और दूसरा हो जाएगा प्लेटफॉर्म। आई होप आपको दोस्तों समझ में आई होगी ये बात। चलिए कुछ और पॉइंट की बातें हैं जो हम लोग सीखते हैं। तो दो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ट्रेन को क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको बताऊंगा दो बातें कि दूरी सदैव इसमें जोड़ते हैं हम लोग, जैसी भी दूरी हो दोस्तों। तो जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई है और एक ट्रेन की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग मान लेंगे L1 और ट्रेन की लंबाई मान लेंगे L2, तो दोनों हो जाएंगे L1 + L2, तो दूरी सदैव हमेशा जोड़ देंगे दोस्तों हम लोग। ओके, और चाल जो होती है ट्रेन की चाल है, या दूसरी जैसे कि एक ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन उधर जा रही है, तो चाल जो होती है वो दिशाओं पर निर्भर करती है। जैसे कि एक जा रही है पूरब की और एक पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब जब विपरीत जा रही हो, तो चालों को मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे कैसे चेंज होती हैं। आई होप आपको दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। कुछ टाइप हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है कि पहला टाइप है इसमें दोस्तों, जब ट्रेन किसी आदमी या खंबे या किसी पेड़ को पार करे, तो दोस्तों इसमें हमेशा खंबे या आदमी या पेड़ की लंबाई को हमेशा कॉन्स्टेंट मानेंगे, इसकी कोई लंबाई नहीं दोस्तों हम लोग मानेंगे। ओके दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों कोई ट्रेन जा रही है एस की स्पीड से, ओके दोस्तों, जिसकी लंबाई है एल, और जो एक खंबे को टी सेकंड में पार करती है, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या होती है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी कितनी है, एल मान लियो। ओके दोस्तों, L/T। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, क्योंकि इसमें चाल जुड़ेगी नहीं, ये एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों, एक ही ट्रेन है, ना कि खंबा चलता है, खंबा तो स्थिर रहता है, तो इसकी चाल कोई कॉन्स्टेंट होगी। और जब भी खंबा या पेड़ या आदमी की बात हो, तो इसमें दूरी या लंबाई कह सकते हैं कांस्टेंट रखेंगे हमेशा। ओके दोस्तों, तो इसमें इसीलिए लंबाई इसमें जोड़ी नहीं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय इसके हिसाब से यह फार्मूला बन गया इसमें। ओके दोस्तों, अब अगला टाइप देखते हैं दोस्तों।
अगला टाइप आता है जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तब क्या कंडीशन होगी। दोस्तों दोस्तों मैं आपको वो पूरा बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बेसिक्स को पहले कंसल्ट करें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान ली एक ट्रेन जा रही है L2 लंबाई की, या कह सकते हैं L1 लंबाई की एक ट्रेन है, और इसकी स्पीड है S मान सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म L2 लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रही है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म तो चल नहीं सकता है, तो इसकी स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी, मीन्स जीरो होगी। तो दोस्तों इसमें स्पीड कांस्टेंट होगी, तो इसमें स्पीड एक ही रहेगी। ओके दोस्तों, तब क्या फार्मूला बनेगा। तो दोस्तों में चाल बराबर क्या होता है, दोस्तों आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने आपको दोस्तों बताया था पीछे कि लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, तो दूरी कितनी है, लंबाई कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं, एक ही बात। तो L1 प्लस L2 हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, L1 प्लस L2 अपन, और ये T1 समय में, या कह सकते हैं T समय में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को। ओके दोस्तों, तो L1 प्लस L2 अपन T, या टोटल कह सकते हैं S = L1 + L2 / T। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो तीसरा टाइप है जब एक गतिमान ट्रेन किसी दूसरी गतिमान ट्रेन को पार करे। तो इसमें दो कंडीशन आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों एक ट्रेन हमने मान ली ए और दूसरी ट्रेन मान ली बी, और जब विपरीत दिशा में हो। तो एक ट्रेन जा रही है दोस्तों पूरब में और दूसरी जा रही है पश्चिम में, मीन्स विपरीत दिशा हो, मतलब एक की एक दूसरे के अपोजिट हो, तो क्या होता है कंडीशन। तो मान ली इसकी लंबाई दोस्तों L1 है, इसकी लंबाई S2 है, और ये S1 चाल से जा रही है, ये S2 चाल से जा रही है दोस्तों। ओके दोस्तों, और समय दोनों में बराबर है T, तब क्या होगा। तो आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी, जब विपरीत दिशा में जाएं दोनों, एक दूसरे की ट्रेन एक दूसरे को पार करें विपरीत दिशा में, तो चाल हमेशा जुड़ती है। तो चाल क्या है दोस्तों, ये होगी S1 प्लस S2 = क्या हो जाएगा, और लंबाई हमेशा जैसी भी दूरी जैसी भी ट्रेन हो, जब जाए समान दिशा हो जाए विपरीत दिशा हो, तो लंबाई हमेशा जुड़ती है। तो L1 प्लस L2 अपान समय हमेशा वही रहता है एक ही, तो अपान T। तो ये फार्मूला हो जाएगा दोस्तों विपरीत दिशा के लिए। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि जब दिशा भेद समान हो, कि ट्रेनें एक दूसरे की समान दिशा में जा रही हैं, तब क्या होगा। अब क्या होगा दोस्तों, मान ली एक ट्रेन ए हो एक ट्रेन बी है, तो ये L1 लंबाई की है, ये L2 लंबाई की है, और ये S1 चाल से जा रही है, ये S2 चाल से जा रही है। ओके दोस्तों, और समय हमेशा समान रहता है, तो फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैंने आपको बताया था कि जब विपरीत दिशा हो तब चालें जुड़ती हैं, ये तो समान दिशा में जा रहे हैं तब चालें घट जाएंगी। ओके दोस्तों, तो S1 माइनस S2 = दूरी कितनी है, लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं दोस्तों, ट्रेन की लंबाई L1, ये L2, तो L1 प्लस L2 अपन समय हमेशा वही रहता है, हमेशा एक ही, तो ये फार्मूला हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसका अगला टाइप देखते हैं। दोस्तों हमारा है टाइप 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब दोस्तों एक गतिमान ट्रेन किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करे, तब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। मान ली एक ट्रेन है दोस्तों L लंबाई की, ओके दोस्तों, और इसकी स्पीड है S1, और एक व्यक्ति जा रहा है जिसकी स्पीड है S2। तो मैंने आपको पीछे बताया कि आदमी या खंबे या कुछ भी हो दोस्तों, ब्रिज हो सकता है, तो उसकी लंबाई को हम लोग काउंट नहीं करते, हमेशा कॉन्स्टेंट मानेंगे। तो इसकी S1 हो गए, S1 चाल हो गए, इसकी S2 हो गए, और ये T समय में पार कर जाती है ट्रेन, तब क्या हो गया दोस्तों फार्मूला। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय, आपको पता ही होगा दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूरी कितनी है दोस्तों, L1 लंबाई की एक ट्रेन है, ओके दोस्तों, या L कह सकते हैं, L लंबाई की ट्रेन है, और समय कितना है दोस्तों, T समय में पार करती है। तो चाल कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2, सॉरी दोस्तों, ये आदमी जो भाग रहा है एक ही दिशा में भाग रहा है जहां से ट्रेन जा रही है। तो दोस्तों ट्रेन को पकड़ने के लिए आप पीछे थोड़ी भागेंगे, आगे ही भागेंगे। तो चाल हमेशा जब समान दिशा होती है तब चाल घटती है, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा दोस्तों। तो S1 माइनस S2 = L/T, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा वो दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। हमारा लास्ट टाइप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन समान दिशा में
जा रही हो, उसने बैठे व्यक्ति को पार करे, तब क्या कर लगेगी टर्म्स एंड कंडीशन। मान ली एक ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन बी है। ओके दोस्तों, इसकी लंबाई हमने मान ली एल वन और इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई एल टू। ओके दोस्तों, और ये एस वन चाल से जा रही है और दूसरी एस टू चाल से जा रही है, और ये टी समय में फिक्स टाइम पर मतलब एक दूसरे को पार करती है, तब क्या होगी। तो मैंने आपको पीछे बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके दोस्तों, तो चाल हमेशा घटेगी जब समान दिशा में जाए। तो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू दूरी क्या हो जाएगी, एक ट्रेन की लंबाई एल वन है, दूसरी ट्रेन की लंबाई एल टू है। तो इसमें दोस्तों एल वन प्लस एल टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति की लंबाई को हमेशा दोस्तों हम लोग कॉन्स्टेंट मानते हैं, मीन्स जीरो। तो ये लंबाई हो जाएगी एल वन। ओके दोस्तों, तो दूरी एल वन प्लस एल टू कर सकते हैं, एल टू की जगह हम लोग जीरो मान लेंगे। ओके दोस्तों, अपान टी समय यहाँ फिक्स रहता है दोस्तों। ओके, तो ये हो जाएगा एस वन माइनस एस टू इजकल टू एल वन अपान टी, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिससे कि आपका डाउट और क्लियर होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है दोस्तों। ये मैंने एक ट्रेन मान ली एल 180 मीटर लंबी। तो ये एक ट्रेन है 72 किलोमीटर की चाल से किसी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो मैंने एक एक बिजली का खंभा बना दिया। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी खंभा या आदमी हो तो उसकी लंबाई को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो उसको लंबाई को जीरो मान लेंगे। ओके दोस्तों, तो पूछा गया कि कितने सेकंड में पार करेगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों, फार्मूला पीछे बताया था पीछे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके दोस्तों, चाल कितनी है दोस्तों, एस बराबर 72 किलोमीटर और दूरी कितनी दोस्तों दी है 180 मीटर, अपान समय कितना है, समय पूछा गया दोस्तों टी। तो दोस्तों ये मीटर में दूरी दी है, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर बराबर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टी इक्वल टू हो जाएगा 180 अपान 72, 72 को मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई, ये 18 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 180 इंटू 18 अपान 72/5। अब इसको काटेंगे 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा 180/20, 0 से 0 कटा, 2 नहीं 18, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों समय पूछा गया तो 9 समय आ गया 9 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर लेगी, प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी दोस्तों। तो मान लिया कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, बराबर 260 मीटर मान लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक ट्रेन है जो कि 140 मीटर की है और जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तो पूछा गया है समय कितने सेकेंड कितने समय में पार कर लेगी। तो दोस्तों हमने पीछे आपको बताया था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दोस्तों जब लंबाई हमेशा जुड़ती है तो चाल कितनी कितनी दी हुई है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल दी हुई है ट्रेन की, और दूरी हमेशा लंबाई हमेशा जुड़ती है चाहे कैसी भी पोजीशन हो। तो 140 प्लस 260 अपन टी पूछा गया दोस्तों, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 400/60। अब 60 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई, 18 ऊपर जाएगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा 400 × 18 अपन 60 × 5। ओके दोस्तों, ये 0 से 0 कटा, 6 × 3 = 18, फिर 5 × 8 = 40, तो आ जाएगा 8 × 3 = 24 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है, इसलिए आप क्वेश्चन को आप मन में ही धरिए और जो वैल्यू दी है उनको पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 160 मीटर लंबी कोई ट्रेन है और 440 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ।
तो हमने एक ट्रेन मान ली जिसकी लंबाई हमने 160 मीटर मानी, और ये एक सुरंग है जिसकी लंबाई है टोटल 440 मीटर। तो दोस्तों लंबाई तो हमेशा जुड़ती है, आपको मैंने बताया था कि पोजीशन जान जैसी भी दी हुई है, पर जो ट्रेन की जो चाल होगी उसको हम लोग जोड़ेंगे, ना कि सुरंग की चाल। सुरंग की कोई चाल ही नहीं होती क्योंकि वो स्थिर होता है, तो उसकी चाल कांस्टेंट होगी। ओके दोस्त, और समय इसमें दिया है T=30 सेकेंड, और हमें निकालना है ट्रेन की चाल निकालना, ना कि सुरंग की चाल। सुरंग की चाल होगी ही नहीं पहली बात। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, स्पीड पूछा गया दोस्तों, चाल दूरी कितनी दी हुई है, 160 + 440 अपान समय कितना दिया हुआ, 30 सेकेंड। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 6 4 10 की जीरो, वहाँ से लगा 1 5 छः, 600 बटे 30, तो ये 0 से 0 कटेगा, 3 से 3, 3 × 6 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी चाल आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 70 किलोमीटर की चाल से चल रही है, और यह 10 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। मान ली कोई ट्रेन है दोस्तों, 100 मीटर की लंबी कोई ट्रेन है, और ये 70 किलोमीटर की चाल से हम लोग चल रही है, इसको S1 मान लेंगे दोस्तों है, और यह 10 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल, दोस्तों ये समान दिशा में दौड़ रहा है आदमी, ना कि आप जैसे कोई ट्रेन चल रही है आप पीछे की ओर थोड़ी पकड़ेंगे, आप आगे की ओर दौड़ेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे। तो ये दौड़ रहा है दोस्तों, इसकी चाल है 10 10 किलोमीटर, चल 10 किलोमीटर बराबर। तो मैंने आपको बताया था पीछे कि आदमी या खंबे की लंबाई को काउंट नहीं करते। ओके दोस्तों, तो पीछे फार्मूला बताया था मैंने, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब समान दिशा में दोनों पोजीशन हो तो क्या हो, तो मैंने बताया था चाल घटती है। तो S1 - S2 = दूरी कितनी है, दूरी को हम लोग लंबाई L1 + L2, दूरी हमेशा जुड़ती है दोस्तों, अपॉन टी। ओके दोस्तों, S1 कितना दिया हुआ है, 70, S2 कितना है 10, और ट्रेन की लंबाई है 100, और सॉरी दोस्तों ये लंबाई जुड़ते जुड़ेगी नहीं, जुड़ती तो है पर आदमी की लंबाई 0 है, तो इसमें 0 रख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन समय पूछा गया है टी। ओके दोस्तों, तो ये 60 = 100 अपॉन टी। अब करेंगे T = 100/60, तो ये किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये T = हो जाएगा 100 × 18, ये ऊपर जाएगा दोस्तों ये, अपॉन 60, 0 से 0 कटा, 6 × 3 = 18, तो T = क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ट्रेन जो है, ट्रेन जो है दोस्तों दौड़ते हुए व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लगी। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए, और नीचे दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।